नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा। आज हम बैठे हैं कन्हैयालाल इंटर कॉलेज में। कन्हैयालाल इंटर कॉलेज के जो फाउंडर थे राय साहब कन्हैयालाल, उनके सुपोत्र आज हमारे साथ हैं। जो एक अभी प्रक्रिया चल रही है कि जो बोर्ड था यहाँ पर इंटर कॉलेज में, उसको भंग किया गया था। नए बोर्ड के चयन के लिए सदस्यता अभियान चल रहा है। उस सदस्यता अभियान के अंतर्गत कुछ फॉर्म, कुछ प्रक्रिया होती है जो पात्र को पूर्ण करनी होती है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ यहाँ ऐसा घपला चल रहा है, घालमेल चल रहा है कि जिसके विषय में अभी आप लोगों को नहीं मालूम था। आज जो हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? अतुल कुमार जी, जो सुपोत्र हैं फाउंडर कन्हैयालाल जी के, वो हमें जानकारी देंगे कि ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और इसके माध्यम से किस प्रकार से कमेटी चुनी जाती है और उस कमेटी के माध्यम से जो वर्कआउट होता है इस कॉलेज के फेवर में, वो सब कैसे होता है वो बताएंगे हमको। और क्या घालमेल क्या चल रहा है वह भी अभी बताएंगे हमको अतुल कुमार जी। आइए अतुल जी से बात करेंगे कि क्या घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। अतुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। अतुल जी, पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी ये कमेटी भंग हुई है जी, नई कमेटी चयनित करने के लिए प्रक्रिया चालू हो चुकी है जी, उसके लिए सदस्यता अभियान भी चालू हो चुका है सर, सर्वप्रथम तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया ये थी कि क्योंकि पुरानी जो मैनेजिंग कमेटी बनाई थी उसकी जो लिस्ट थी जी मेंबर्स की, उसमें 4 सदस्य इलीगल थे जी, तो उसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया था। कोर्ट ने जो है फिर उसको बोला कि जो भी आप प्रक्रिया अपना है एजुकेशन बोर्ड को, उसको जो है स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बनाएं जी। तो स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से फिर जो है एजुकेशन बोर्ड ने एक को जो है प्रशासक यहाँ पर नियुक्त किया, प्रबंध संचालक जी। और प्रबंध संचालक ने अपने जो भी इंटरनल कार्रवाई है उसको करने के बाद जो है एक विज्ञप्ति जारी की 9 मार्च 2022 को जी। और उसमें जो उन्होंने डिटेल दी थी वो ये था कि एक तो इसमें जो है इंडिविजुअली सबको आ जाके फॉर्म जमा कराना होगा। इसमें 3 तरह की सदस्यता है, आजीवन एंड जनरल, और एक है विशिष्ट। पेपर के माध्यम से निकाली गई थी विज्ञप्ति जी? हाँ, पेपर अमर उजाला में निकाला गया था, उसमें ये दिया गया है, उसमें डिटेल है। इसकी 9 तारीख से 29 तारीख जो 21 दिन का समय दिया था उसको ख़त्म, 29 तारीख लास्ट डेट थी सर। पात्रता क्या होनी चाहिए? पात्रता ये है कि 21 साल का होना चाहिए जी, और इंडियन नागरिक हो, मेंटली स्टेबल हो जी। अभी हमारी आपसे बात चल रही थी कि इस प्रबंध समिति कमेटी को चुनने के लिए 3 लोग नियुक्त किए गए थे जी, अधिकारी जिनको कह सकते हैं जी। वो कौन कौन थे सर? उसमें एक तो CEO हरिद्वार जी, दूसरे हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी जी, और तीसरे एक प्रिंसिपल हैं यहाँ पे प्रकाश कुलश्री जी, वो प्रबंध संचालक। अब आप कैसे, मैं पूछूंगा कि जिस प्रकार से लोगों ने आवेदन किया जी, इसमें आवेदन की प्रक्रिया आपने बहुत सरल बताई कि वहीं से फॉर्म लो, फिलअप करो, अपने डॉक्यूमेंट लगाओ और बाय हैंड ही जमा करो, उसकी जो फीस है वो भी दे दें, उसकी फीस जो है वो भी सबमिट कर दें। तो सर अनियमितता क्या मिली वहाँ पर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कुछ अनियमितता पकड़ी गई, वो क्या अनियमितता? देखिए, पहले भी थोड़ी बहुत चीज़ें हमने देखी थी, हमने उसको इग्नोर किया जी। बट कल जब मैं अचानक से देखने गया था कि 3 बजे तक फॉर्म लेने की का टाइम था जी, मैं ऐसे ही देखने चला गया तो 4 बजे के लगभग वहाँ पहुँचा। 4:08 के आसपास हमारे विद्यालय KLDAV इंटर कॉलेज के एक लिपिक नीरज गोयल जी वहाँ पहुँचे स्कूटर से, और मैंने उनसे पूछा कि आप किस लिए आए हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि बस ऐसे ही। मैं कहा फिर इतने कितने फॉर्म लाए हो, तो बोला मुझे नहीं पता, मुझे तो फॉर्म दे दिए गए हैं, बस मैं लेके आ गया हूँ। फिर वो घबरा के जो है इधर उधर छुपने लगे, इस कई लोगों से उन्होंने फ़ोन पर बात की। मैंने एक सज्जन को भेज के उनसे बोला कि ज़रा उनको बुला दीजिए, मैं उनसे कुछ बात कर लेता हूँ कि वो क्या करना चाह रहे हैं जी, बट वो आए नहीं जी। फिर मैं उनको पास गया तो उन्होंने जो है एकदम से घबरा के भागने लगे जी। और भागने के बाद जो है उनके हाथ से वो पैकेट गिर गया, वो एनवलप वो गिर गया जिसमें फॉर्म थे जी। तो बाद में उसको देखा गया, उसमें 60 फॉर्म थे,
इसके एक एनवलप के अंदर 60 फॉर्म, 60 फॉर्म थे जो कि अलग अलग लोगों के थे और अलग अलग धर्म जाति कह लीजिए के थे। सर पूछना चाहूँगा, जैसे कि ये प्रक्रिया है कि फॉर्म वहाँ से लेना है, उसको फिलअप करना है, आईडी लगानी है, फीस जमा करनी है, फॉर्म वहीं जमा, तो क्या इस प्रक्रिया को मैं इंडिविजुअल करूँगा या मेरा कोई प्रतिनिधि भी कर सकता है? इसमें प्रतिनिधि का कोई प्रोविजन नहीं है, उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट में सीधे लिखा है कि आप स्वयं लेंगे और स्वयं ही जमा कराएंगे, लेकिन तो इसका उल्लंघन हो रहा है। ये तो एक गड़बड़ ये भी हुई कि 60 फॉर्म लेके एक व्यक्ति जाता है, उसमें 60 व्यक्ति अलग अलग हुए और उनके फॉर्म वो जमा करता है, तो पहली गड़बड़ तो ये हो गई। दूसरा क्या कहना चाहेंगे? दूसरा ये कि उसका फॉर्म उसमें नहीं है जी, तो वहाँ गया किस लिए? यहाँ पे कर्मचारी है तो उसको विद्यालय में होना चाहिए था, वहाँ होना चाहिए था जी। ये दूसरी उसकी अनियमितता हो गई तो, और 60 लोगों के फॉर्म एक ही आदमी लेके जाया, उसको समय समाप्त होने के बाद जी, वहाँ क्या था उसका सर? जो क्लोजिंग टाइम था उसका 3 बजे का था, 3 बजे, लेकिन ये 4 बजे के बाद आया है। तो एक्सेप्ट कर रहे थे वो 4 बजे के बाद भी उनके फॉर्म? नहीं, ये अंदर गया नहीं मेरे को देखने के बाद, ये बाहर से बाहर ही फिर भागने दौड़ने लगा इधर उधर, मेरे को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था जी। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना कि प्रक्रिया ये है कि आदमी खुद जाए, फॉर्म फिलअप करे, फीस जमा करे, अपने डॉक्यूमेंट लगाए और जमा करे, एक व्यक्ति एक फॉर्म कर सकता है। लेकिन देखने को क्या मिला, एक व्यक्ति यहीं डीएवी इंटर कॉलेज का कर्मचारी नीरज गोयल नाम बताया जा रहा है, जाता है 60 फॉर्म लेता है, 60 फॉर्म फिलअप करने के बाद जमा करने जाता है। सबसे बड़ी अनियमितता तो यह है कि उन 60 लोगों के फॉर्म वह अकेला व्यक्ति जमा करने जा रहा था। दूसरी बात, समय पूर्ण हो चुका था, समय था 3 बजे का, वह व्यक्ति 4 बजे वहाँ पहुँचा, लेकिन अतुल जी वहाँ पहुँच गए तो सकपक आ गया, भागने की कोशिश की। अतुल जी, जब ये कमेटी चयनित होती है कितने सदस्य होते हैं इसमें? साधारण सभा के लिए ये जो मेंबर्स बनाए जा रहे हैं इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। नहीं, मान लीजिए 10, 20, 50, 100, वही मान लीजिए अगर हम कहें कि 1000 लोगों ने आवेदन किया तो 1000 बन जाएंगे क्या? साधारण सभा में 1000 क्या 2000 भी बन सकते हैं, 5000 भी बन सकते हैं जी। ये जो भी मेंबर्स बनेंगे जी, इसके बाद एक 12 सदस्य चुनेंगे जी, मैनेजिंग कमेटी के गठन हेतु। उस मैनेजिंग कमेटी के गठन में फिर वो अपने जो है ऑफिस बेयरर्स का सिलेक्शन कर लेंगे। सर पूछना चाहूँगा, क्या आप एक्सपोज करना चाहेंगे वो 60 व्यक्ति कौन थे, जानते हैं आप? मैं सिर्फ एक ही को फॉर्म मैंने वैसे ध्यान से देखा नहीं, लेकिन एक ही फॉर्म मैं ध्यान से देख जिसको पहचान पाया वो यहाँ पे जो कृष्णा मसाले वाले हैं उनकी फ़ोटो देख के मैं पहचान पाया गेट के। तो जी क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से जो है जनता या लोग देख रहे हैं, उनके लिए या जो इन इस प्रकरण से संबंधित अधिकारी हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा जनता से ये निवेदन रहेगा कि वो जो है सावधानी बरतें और इस चीज़ को प्रक्रिया को थोड़ा सा ध्यान दें ताकि इसमें कोई गड़बड़ियाँ ना हो, और मेरा निवेदन अधिकारीगण से भी है कि वो भी इस बारे में जो नियमावली है उसके सुनिश्चित कर लें। और इसमें जो है हमने कल इस प्रकरण की एक कंप्लेन जो है गंगनहर थाना में करा दी, मतलब कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं जी। हाँ जी, तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से? अब वो लोग उसमें शायद इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद जो भी निष्कर्ष होगा उसके हिसाब से वो एक्शन लेंगे। जो संबंधित अधिकारी हैं उन लोगों से बात हुई आपकी? हाँ जी, बस जमा करते उन्होंने पूछा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों होना चाहिए था। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? बोले हम इसको देखेंगे बिल्कुल, और जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे अतुल जी हमारे साथ, जिनका स्पष्ट रूप से कहना ये है कि आज यह प्रकरण KLDAV में हो रहा है, कल किसी और प्रतिष्ठान में भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, इस प्रकार के लोगों से बचें। दूसरी बात, जो संबंधित अधिकारी हैं उन लोगों से भी अपील की जाती है कि इस प्रकार के प्रकरण पर जरा विशेष ध्यान दें, और अगर इस प्रकार के प्रकरण होते हैं तो उनको रोकने की कोशिश करें और उन व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद मित्रों, समत भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।